भाई क्या हाल, देखो हालत देख के और फिर ये नंबर देखो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज तुम्हारा भाई जा रहा है अपने बुआ के घर। और भाई बुआ, जैसे आज भाई दिवाली आ रही, तो भाई जैसे अभी अपने हिंदुओं में भाई होता है कि मतलब सीधा टाइप होता है कि भाई सीधा देखा होता अपनी बुआ के घर पे। भाई सीधा तो देखो एक बहाना होता है भाई, मेन रीजन ये होता है कि भाई कम से कम रिश्तेदारी में आप जाओ जाओ मिलो, मिल के आओ, उनसे बातें करो। और भाई ये मेन चीज, मेन पर्पज तो इन चीजों का यही होता है। और तो फिर भाई अभी चलते हैं, तुम्हारे भाई अकेला ही जा रहा है, आप सभी को भी ले चलते हैं। फ्रेंड्स, तुम्हारे भाई ने ये लगवा लिया भाई, जैसे फोन पकड़ने में दिक्कत होती थी ड्राइविंग करते हुए, तो अब यहाँ पे लगा देंगे इसको आराम से और वीडियो बनती रहेगी। और भाई ट्रैक्टर हटा रहा अपना, फिर निकलते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स, कार में ऐसे व्लॉगिंग करने में भाई अलग ही मजा आता है। देखो अब मेरे हाथ बिल्कुल फ्री हैं दोनों, और भाई मैं आगे देख के अपनी अच्छी सी कार चला सकता हूँ। और भाई जैसे अगर मैं फोन में ऐसे करके ऐसा हाथ में करके बनाता था, तो भाई एक बार ही ऐसे देखना पड़ता था। अब मैं भाई बिल्कुल सीधा देख के अपनी वीडियो बना सकता हूँ, इसका फायदा ये है। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं, मिठाई लेते हैं। और भाई मैं यार सोनपत से मिठाई लेके जा रहा हूँ। भाई मैंने लास्ट टाइम एक बार करनाल से खरीद ली थी, और भाई काफी गंदी मिठाई थी वहाँ की, तो भाई अपने यहाँ से खरीद के ले चलते हैं, क्योंकि भाई सोनपत की मिठाई बहुत अच्छी है, सोनपत का घेवर और मिठाइयाँ काफी अच्छी है भाई। फ्रेंड्स मजा आ जाएगा आपको, कभी ट्राई करना आगे। फ्रेंड्स, तुम्हारे भाई ने ले ली है मिठाई, और भाई अभी चलते हैं सीधा सीएनजी पंप पे, इसको फुल कराते हैं। और आज आपको पता भी लग जाएगा हाईवे पे लाइट I-20 सीएनजी में कितने किलोमीटर चलती है फुल होने के बाद। ठीक है, आज देखना भाई, सारी वीडियो देखना है आप सभी को, आज सारी वीडियो देख। तुम्हारे भाई ने सीएनजी फुल करा लिया भाई, सीएनजी आई 712 रुपए की, और भाई मैंने कर दिया है जीरो, और इसमें ये भी जीरो कर दिया मैंने, टाइम भी जीरो कर दिया भाई। तो अब देखना ये है कि कितनी देती है भाई, कितने चलेगी। मेरे को नहीं लगता भाई ये मतलब करनाल यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है, जो मेरी बुआ घर है फिलहाल जहाँ पे मैं हूँ वहां से। और फ्रेंड्स, मेरे को नहीं लगता ये भाई मतलब मेरी बुआ घर यहाँ से 100 किलोमीटर है, मेरे को नहीं लगता भाई अप डाउन वे कर देगी इसमें। 712 रुपए की सीएनजी है ना, थोड़े बहुत इसमें थे भी, लगभग 8 किलो के आसपास सीएनजी है इसमें, 8 से थोड़ी सी ज्यादा ही होगी। तो भाई मेरे को नहीं लगता कि ये उसमें 200 किलोमीटर चल जाएगी, और भाई चल गई तो देखो यार मेरे लिए भी सरप्राइज होगा। वैसे भाई मैंने विदाउट एसी तो मैंने ये चला रखी है, विदाउट एसी तो मैंने 250 किलोमीटर चला रखी है। एक बार हरिद्वार से फुल कराने के बाद मैं यहाँ घर पे आ गया था, घर पे आने के बाद फिर मैं सीएनजी पंप तक भी चला गया था। तो उस टाइम ठंडे ठंड का टाइम था, और हम गए हुए थे बाड़ा में कहीं घूमने, तो भाई हरिद्वार से आते हुए फुल कराई थी। भाई हरिद्वार वालों की पता नहीं भाई क्या उनकी सीएनजी अच्छी है क्या भाई, उनकी जहाँ से फिल कराता हूँ ना मैं सीएनजी, तो भाई ज्यादा चलती है यार, ज्यादा एवरेज देती है। तो अभी देखते हैं भाई आज कितना देंगे हमारे सोने बच्चे में फुल कराने के बाद। जैसे आपने देखा भाई सियाज वाला मेरे बिल्कुल टच से गया, मतलब साइड से गया भाई, यार मैंने बिल्कुल नीचे उतार दी रोड से। यार किसी और की जान से प्यार नहीं, तो भाई अपनी जान से तो प्यार कर लो, दो मिनट के ऊपर यार। फ्रेंड्स, जब भी आप मूर्ख का टोल क्रॉस करो ना बरगनोर की तरफ जा रहे हो, तो भाई थोड़ा ध्यान से चला करो यहाँ पे, भाई स्पीड वाले खड़े होते हैं यहाँ पे। अभी तो दोपहर हो रही है, दोपहर को तो मिलेंगे नहीं वो, लेकिन भाई सुबह शाम पक्का 100% मिलेंगे आपको यहाँ पुलिस वाले, स्पीड वाले, और कुछ भाई यहाँ कैमरे भी लगा दिए अब तो। फ्रेंड्स, अभी भी कांड हो गया यार, 80 की स्पीड लिमिट थी और भाई मेरी कार 84 के आसपास थी, और भाई स्पीड कैमरा आ गया। अब ये नहीं पता भाई चलान कटेगा या नहीं कटेगा, वो तो भाई घर पे जाके मैसेज आएगा जब भी पता चलेगा। लेकिन यार शिट यार बिल्कुल भाई, मतलब यार 3-4 ही तो ऊपर गई थी मेरी, और जब भी कैमरा आ गया यार, इतनी देर से मैं स्पीड लिमिट में चल रहा था और कैमरे आ गए भाई। अब देखते हैं यार घर पे चलान आता है या नहीं आता, बच जाता हूँ, तो घर पे जाके पता लगेगा भाई।
भाई मेरा जो नंबर है ना वो दूसरे वाला है जो सैमसंग के फ़ोन के थोड़ा, और उसमें वही रजिस्टर भाई है, तो भाई उसी पे मैसेज आएंगे या फिर एम प्रेवान पे देखता हूँ भाई मैं, एम प्रेवान पे पता लग जाएगा चलान कटेगा नहीं। आधे घंटे के बाद मैसेज आता है तो आधे घंटे के बाद चेक करते हैं उसको, मतलब यार चलो ठीक है भाई जो होगा देख लीजिएगा, चलान भर देंगे और क्या होगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा करनाल में स्वागत हो चुका है भाई, करनाल तो नहीं लिए घरोंडा है, लेकिन शायद घरोंडा भी इसके करनाल उसमें आता है, जैसे कन्नौर सोनभद्र में आता है ना शायद, मेरे ख्याल से भाई घरोंडा उसका ही पार्ट है, करनाल का ही पार्ट है, इसलिए यहीं पे बोर्ड लगा दी इन्होंने घरोंडा की एंट्री पे, करनाल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम करनाल सिटी में एंटर कर चुके हैं, और भाई जो मेरी बुआ घर है ना वो बिल्कुल करनाल पूरा करनाल क्रॉस करके उसके बाद आता है, तो भाई टिल देन एंजॉय द टाइम लैप्स। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं फुफ्फा के घर पे पहुंच चुका हूँ, और भाई मैं बिना बताया हूँ यार आज सरप्राइज देने, और भाई पता नहीं मेरे को सरप्राइज ना मिल जाए कहीं, वो होगी ना भाई, कार तो है नहीं यार, अभी देखते हैं यार कहीं वो आ ना मिले ना फुफ्फा मिले मेरे को यहाँ पे। फ्रेंड्स इस बाइक का हालत देखो, हालत देख कर फिर ये नंबर देखो भाई, 1.5 लाख रुपए का नंबर लगा इस बाइक पे, और इस नंबर की वजह से फुफाज नई बाइक लेने जा रहे हैं, स्कूटी लेने जा रहे हैं ना, क्योंकि इसकी एक्सपायरी आ गई थी इस बाइक की, उससे पहले इसको चेंज करा देंगे, स्कूटी पे लगा देंगे, एक नंबर फुफा की कार पे अल्टो पे ना, वो भी आने वाली है अब थोड़ी देर में। फ्रेंड्स ये देखो दूसरा नंबर साथ दो दो नंबर है तीन नंबर, और स्कूटी आ गई फुफा लगे ना नई वाले, देखते कितना टाइम लगेगा भाई, रात होगी तो भाई ऑब्वियसली थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं, रोड खाली मिलेंगे, और भाई गाड़ी चल चुकी है पूरे 100 किलोमीटर, और भाई तभी दो ढूंढे रहते हैं कार के, ये भाई पानी पत्थर निकला था ना मैं, जब से दो डंडे हैं अभी दोबारा से सीएनजी डलवानी पड़ेगा भाई, इसमें से काम नहीं चलेगा, तो अभी जल्दी से चलते हैं बिना देर करते हुए घर की तरफ, और भाई अब टाइम लैप्स एंजॉय करें आप, रात का मोड देखना भाई कैसा लगता है, क्योंकि यार मेरे को खुद देखना भाई मेरी कार का रात का मोड कैसा आएगा, तो देखते भाई कैमरे भाई नीचे कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स करनाल सिटी के तो पहुंच गए, और भाई अब यहाँ पे घरोंडा वाला टोल टैक्स आने वाला है, उसके बाद घरोंडा स्टार्ट हो जाएगा, और भाई देखो यार अलग ही मजा भाई रात को बिल्कुल खाली रहो भाई, देखो यार कार तो कम हो जाती है रात को, लेकिन जो ट्रक है ना भाई ट्रकों की संख्या बढ़ जाती है भाई रोड पे, मतलब ट्रक रात को राज हो जाते हैं रोड के, और भाई यार कुछ भी मेरे से गलत बोला जा रहा हो भाई कुछ भी वीडियो में, तो भाई मैं अभी सीख रहा हूँ, अभी मैं अभी भी सीखने की स्टेज पे हूँ भाई, तो उसके लिए मेरे को माफ करना, लेकिन फ्रेंड्स बस आप लोगों का साथ चाहिए मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स तुम्हारा भाई पहुंच चुका है पानीपत टोल पे, और भाई टाइम उसका 9:03, और भाई इसी से आप लगा लो यार करनाल से लेके पानीपत मेरे को 1 घंटा लग गया, तुम्हारा भाई कितने प्यार से कार चलाते ना इसी से पता लग जाएगा तुम सोए हो। फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी पानीपत का टोल क्रॉस किया ना भाई, हैंडल छोड़ते के साथ यार उस साइड भाग रही है कार, या तो इस टायर में हवा कम है या पिछले में, और भाई मैं फिलहाल हूँ पानीपत हाईवे पे, मतलब पानीपत फ्लाईओवर पे हूँ, और फ्लाईओवर पे कार रोकना बिल्कुल अड़ नहीं, क्योंकि भाई काफी स्पीड में आती है यहाँ पे कार, तो भाई जब तक ये फ्लाईओवर नहीं खत्म होता भाई जब तक मैं इसको रोक के चेक भी नहीं कर सकता क्या हुआ मेरे साथ, अभी देखते हैं यार जल्दी से
खत्म करता हूँ इसको और फिर रोकता हूँ भाई। हवा कम होगी पक्का इसमें या इसके पिछले वाले टायर में या फिर अलाइनमेंट आउट होगी इसकी। यार अब तक तो ठीक थी, पता नहीं अब क्या हुआ भाई। फ्रेंच टायर तो बिल्कुल ठीक है लेकिन भाई तो फ्रेंच जैसे मैंने आपको दिखाया भाई उधर के टायर बिल्कुल ठीक है। और भाई पता क्या है इसके अलाइनमेंट आउट हो गई भाई, जैसे पानीपत से क्रॉस किया ना तो ये साइड पकड़े देख लो, आप खुद देख लो भाई ये साइड जा रही है तो भाई हो जाता है यार। लंबे सफर पे कार जाती है तो भाई थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको कल ठीक करा लेंगे अलाइनमेंट क्योंकि भाई टायर खराब, नहीं तो टायर खत्म कर देगी सारे गंजे कर देगी। तो इससे अच्छा भाई 100-150 रुपये लगेंगे। अब भाई लगेंगे भी नहीं क्योंकि मैंने अभी अलाइनमेंट सेट कराई थी और भाई एक महीने का टाइम होता है तो अभी एक महीना हुआ नहीं है और भाई उतने किलोमीटर भी नहीं चले हैं उनकी, कुछ 1000 किलोमीटर के आसपास की गारंटी होती है तो भाई इतनी वो चली भी नहीं होगी, इतनी ये चली भी नहीं है। तो भाई कल उसके दोबारा से जाते हैं उसके पास भाई अलाइनमेंट सेट कराता हूँ। और भाई अपनी कार चल चुकी है 150 किलोमीटर और भाई पता है अभी मेन में ही है और भाई जब विजन में लग जाती है ना भाई यहाँ पीली बत्ती चल जाती है उसके बाद भाई 50 किलोमीटर और चल सकते हैं हाईवे पे जितना मेरे को पता है। तो भाई अभी मेरे ख्याल से 200 से प्लस चली जाएगी आज, तो भाई देख लो एवरेज तो ठीक दी इसने आज। और भाई एसी के साथ दी है, मिक्स्ड एसी के साथ क्योंकि भाई जैसे मैं बताया भाई ठंड हो रही है तो बीच बीच में बंद कर दे रहा हूँ लेकिन भाई जैसे भी गर्मी लगती है तो मैं दोबारा से ऑन कर लेता हूँ एसी। तो भाई ऐसे कुछ एवरेज इसकी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स घर पहुँचते पहुँचते मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगा, 10:30 बज जाएंगे। और भाई आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।